हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल आइडियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इट्स मी पूजा सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 ट्राई अगेन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है ट्राई अगेन, मतलब कोशिश करते रहना और बार बार कोशिश करते रहना, जब तक कि कोई भी काम पूरा ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कोशिश करते रहना। तो क्या आप लोगों ने कभी एक चींटी को देखा है? जी हाँ, चींटी को। चींटी जो अपने बॉडी से ज़्यादा वेट उठा के चलती है, उसके सामने कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाए लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, वो बार बार कोशिश करती रहती है। एंट्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, और वो अपना काम तब तक करते रहते हैं, तब तक वो कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वो उसे कंप्लीट ना कर लें। फिर चाहे वो खाना अपने होल तक ले जाना हो खाने को घसीट के, या फिर कोई भी काम, वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उसे कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर आप उसके रास्ते को ब्लॉक भी कर दें तो भी वो दूसरे रास्ते ढूंढ के उसे अपने घर तक लेके जाएंगे फूड को। तो यहाँ पे हमें चींटी से हार्ड वर्किंग का लेसन सीखना चाहिए, ये लेसन सीखना चाहिए कि हम कोई भी काम तब तक नहीं छोड़ सकते, उसे गिव अप नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे कंप्लीट ना करें। हमारे बार बार कोशिश करते रहने से ही हमें सफलता मिलेगी, हम सक्सेस हो पाएंगे और हम उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। यही हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है तो उसे हार मत मानिए, ठीक है, उसे ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ना है, उस वर्क को कंप्लीट करना है, उस टास्क को कंप्लीट करना है। भले ही वो टास्क सिंपल भी हो सकता है, जस्ट लाइक पेंसिल शार्प करने जैसा, या फिर आपका हार्ड टास्क भी हो सकता है, जस्ट लाइक किसी मैच के जीतने के बराबर, ठीक है। तो टास्क छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं होता है, हमें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है और हमारा जो हिम्मत है उसे हम हार नहीं सकते हैं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, और यही चैप्टर में हमें पढ़ना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है माउंट एवरेस्ट का। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट को हजारों लोग हम लोग में से सपना देखते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट तक, हम में से हजारों लोग ये सपना देखते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम एक दिन माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे, ठीक है, उस पिक को, माउंट एवरेस्ट क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट पिक है, ठीक है, और इसकी हाइट लगभग 29,000 फीट है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग तो फेल भी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास वो डिटर्मिनेशन, वो करेज नहीं होता है कि वो इस काम को पूरा करे और वो गिव अप कर देते हैं बीच में। लेकिन जो बार बार ट्राई करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, वो ज़रूर सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। तो हमें भी यहाँ क्या करना है, बार बार कोशिश करते रहनी है। हम गिरेंगे लेकिन हम फिर उठेंगे और फिर से उस काम को पूरा करेंगे, फिर से उसमें लगेंगे ताकि वो कंप्लीट हो और हम सक्सेस हो। जब हम सक्सेस होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सक्सेस के बाद हमें ये सारी प्रॉब्लम्स उतनी बुरी नहीं लगती है, क्योंकि इन्हीं सारे प्रॉब्लम से हम सीखते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों से हम ये सीखते हैं कि हमें प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, हम उससे ओवरकम कैसे करेंगे, यही चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं। तो फिर चलते हैं, इस बुक में एक एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट को फतह करना, मतलब उस पर जीत पाना, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लें कि माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना क्यों खास है हमारे लिए, तो ये हम देखेंगे। माउंट एवरेस्ट इसलिए खास है क्योंकि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पिक है, जिसकी हाइट पहले भी बता चुकी हूँ 29,000 फिट है, ठीक है। तो इसे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन
पिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी हाइट जो है, इट्स हाइट इज ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फीट। इसके अलावा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन याद दे दूँ कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकेट है। ठीक है, ये नेपाल में है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लाखों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं जो कि कई सालों से ये ख्वाहिश रखते हैं, ये सपना देखते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करेंगे, उसके हाईएस्ट पीक पर वो एक दिन पहुँचेंगे। तो यही काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद सर जॉन हंट ने, उनका एक ग्रुप था माउंटेनियर ग्रुप, तो काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद उन्होंने एक और अटेम्प्ट कोशिश की, ट्राई किया। ठीक है, तो ये 1953 में उन्होंने ट्राई किया था, जिसमें उन्होंने दो दो मेंबर्स के दो टीम बनाए थे। तो एक टीम में आपके सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे थे। ठीक है, जो दो लोगों की टीम थी। तो हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। ओके, तो ये दो मेंबर्स की एक ग्रुप थी, एक टीम थी। ठीक है, इस पूरे ग्रुप में दो टीम थी, एक फर्स्ट टीम जो कि 27,820 फीट की हाइट चढ़ने के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया। ठीक है, उन्होंने हार मान ली क्योंकि उनके पास उतनी हाइट चढ़ने के बाद उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था, तो इस वजह से उन्हें हार मान के वापस बेस कैंप लौटना पड़ा। लेकिन ये जो दो लोगों की टीम थी, सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे की, इन्होंने हार नहीं माना। इन्होंने ये फैसला किया कि ये आगे बढ़ेंगे, ये हार मान के वापस अपने कैंप नहीं जाएंगे, अपने बेस नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये इन्होंने चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे ही सही ये लोग चढ़ना स्टार्ट किए, सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग में इन्होंने स्टार्ट किया चढ़ना, और यहाँ पर वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। उसके बाद यहाँ पे ये 40 फुट क्लिफ पर पहुँचे। 40 फुट क्लिफ पर पहुँचने के बाद एक तरफ बिल्कुल एम्प्टी स्पेस थी, दूसरी तरफ आपका कोई भी रास्ता नहीं था ऊपर जाने के लिए। वहाँ पर ये स्लिप कर सकते थे, वहाँ पे काफ़ी सारे डेंजर थे, यहाँ पे ये स्लिप कर सकते थे, चोट लग सकती थी, गिर सकते थे, और गिरने का मतलब था कि तुरंत वहीं पे डेथ या वो बर्फ़ में जिंदा दफन हो जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके डिटर्मिनेशन ने, इनके करेज ने इन्हें हिम्मत दी कि ये आगे बढ़े। और ये धीरे धीरे ही सही, मिनट जो है घंटों के बराबर लगते थे, इन्होंने स्लो प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे इन्होंने आगे कदम बढ़ाए, और सुबह के 11:30 बजे फाइनली 29 मई 1953 को ये वहाँ पर पहुँचे, और ये वर्ल्ड के हीरो बन गए क्योंकि ये वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पिक की चोटी पर खड़े थे, और ये दोनों वर्ल्ड के हीरो बन गए। यहाँ पर यहाँ पर इनसे हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर इनसे हम ये सीख रहे हैं कि अगर ये हार मान के वहीं से वापस लौट जाते तो शायद आज हम इन्हें जानते ही नहीं, या इनके बारे में आज हम पढ़ ही नहीं पाते, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर के बारे में नहीं जानते क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया, हार मान के वो वापस लौट आए। लेकिन इन्होंने जो बार बार कोशिश की, ट्राई किया, ठीक है, तब तक कि जब तक ये अपने टास्क को कम्प्लीट न कर पाए, तब तक इन्होंने ये ट्राई किया, और उस कंटिन्यूस ट्राई की वजह से ये क्या हुआ, सक्सीड होने में सफल हो पाए। तो यहाँ पे हम इनसे ये सीख सकते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, भले ही कितना कठिन हो, कितने हार्ड
प्रॉब्लम उसमें आए, लेकिन हमें उन सबसे डील करना है, उनसे ओवरकम करके बाहर निकलना है और सक्सेस को हासिल करनी है। ये आज का हमारा चैप्टर था, ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करते रहना और बार बार कोशिश करना। ये इस चैप्टर आज यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू।